अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमारा प्यारा किचन। आज हम बना रहे अरवी के पत्ते के पकोड़े। तो ये देखिए, हमने इस तरह से पत्ते लिए, 8 से 10 पत्ते लिए ले हमने। तो इनको अभी, इनकी पहचान ये है, जब भी आप लेंगे ना तो ये डंटल जो इसकी है ना, तो काला देख के लिया करिए, नहीं तो फिर है ना इसमें 2-3 किस्म के पत्ते आते हैं, तो फिर उससे जब खाएँगे तो मुँह में खुजली सी लगती है। तो ये इस तरह से पत्ते हमें लेना है। तो अभी हमें करना इनको इस तरह से, ये डंटल हम, ये देखिए इस तरह से हम डंटल को कट कर लेंगे। ये जितना इसका जाड़ा पार्ट है, मोटा पार्ट, इसको हमें कट करके निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने इनको निकाल लिए, ये जो जाड़ा पार्ट था वो निकाले हैं हमने, और बाकी के सबके उतार लिए ले हैं। तो ये आपको एक दिखाना था बोल के ये रखे थे, देखिए इस तरह से हमने इनको निकाल लिए। तो अभी इनके मसाले की तैयारी हम करते हैं। तो पत्ते हमने डंटल निकाल दिए, तो अभी यहाँ पे कुछ मसाले लिए ले हम। ये है हमारे पास कुछ हरी धनिया है, और ये देखिए इतना सा टुकड़ा अदरक का है हमारे पास, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ है, और हमने मिर्ची ज़रा ज़्यादा लिए ले क्योंकि पत्ते हमारे पास ज़रा ज़्यादा है, और ये इमली लिए ले, ये इमली भी थोड़ी सी है हमारे पास। तो बस ये सबको हम मिक्सी में डाल के, पानी डाल के थोड़ा सा पीस लेंगे। तो ये देखिए मसाला हमने पीस कर लेकर आया है, इसके अंदर अभी क्या करने का, हमें ये मसाले वाटी में खाली करेंगे। ये हम पाउडर मसाले में ज़रा भी नहीं बना रहे, हम डायरेक्ट हरा मसाला पीस के, हम डायरेक्ट हरे मसाले में इसको बना रहे। अब इसमें हम क्यों बेसन ऐड करेंगे हम इसमें, तो हम आटे के हिसाब से ले रहे बेसन। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, इसमें डालेंगे ज़ीरा, आप ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, हम खड़ा ज़ीरा ले रहे हैं, साबुत ज़ीरा। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, स्वाद के मुताबिक नमक लेंगे। बस अब इसको करेंगे हम मिक्स। तो जिस मिक्सर में हमने पानी, मिक्सर में मसाला पीसे है, वही पानी हम जार का पानी इसमें ऐड कर रहे हैं। अब इनको हाथों से भी अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। अब इसको बस पत्ते के ऊपर लगाने के लिए ये तैयार है। तो यहाँ पे देखिए, ये पत्ते को इस तरह से बिछाना है, और ये जो ग्रीन प्लेन वाला पार्ट, जो डार्क ग्रीन है, तो इनको नीचे रखना है, और जो ये लाइट ग्रीन है इनको ऊपर रखना है। अब करना ये है, जो बैटर हमने मिक्स करके रखे हुए हैं, ये बैटर इसको इस पर लगाएंगे। इस तरह से बस इस तरह से लगाते रहना इनको। ये देखिए इस तरह से पत्तों पे अच्छी तरह से ये हमें बेसन को लगा लेना है। अब ये दूसरा पत्ता इस पर रखेंगे, एक ऐसा रखे हैं, तो ये इनको यहाँ से यूँ रखना है, इनके ऊपर भी बेसन हम इसी तरह से लगाएंगे। देखिए बस इसी तरह से सारों को हम लगाते रहेंगे। तो इन पे और एक पत्ता हम बस अलट पलट के इस तरह से उस इधर उधर करते इनको 3-4 पत्ते हम लगा लेंगे। ये बारिश है, इस बारिश में इसका सीजन होता है, तो आप भी लाइए इसे, ज़रूर बनाइए घर में, ये बहुत अच्छी भजिया लगती है, इसके पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए हमने 5 पत्ते इन पे रखे हैं, और अभी ये यहाँ से साइटों से इसको हम फोल्ड करेंगे बस इस तरह से। ये देखिए यूँ इस तरह से भी हम साइड से इनको फोल्ड करेंगे इस तरह। अब थोड़ा सा आटा इस पे लगा लेंगे हम बैटर, ताकि ये एक दूसरे में आपस में चिपक जाए अच्छी तरह से। अब करना है ये हमें यहाँ से इनको उठाते हुए बस इस तरह से
यहाँ पे घुमाते हुए रोल बनाते हुए हमें चलना है। बस इसी तरह से ये देखिए, ये देखिए इस तरह से ये रोल बन चुका है। तो बस इसी तरह से हम दूसरों को भी तैयार करते हैं। तो देखिए ये दो रोल हमारा तैयार हो चुका है। 10 पत्ते थे हमारे पास, तो 10 पत्तों में हमने 5-5 करके हमने दो रोल इसकी तैयार किए। अब इसको भाप देने की तैयारी करते हैं। तो ये देखिए गैस जला के हमने इसके ऊपर एक बर्तन रखे है, इसके अंदर हमने 2 गिलास पानी डाले हुए हैं और ये एक छन्नी लेंगे। इस तरह से ऐसी छन्नी लेंगे और इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे ताकि वो हमारा रोल चिपके नहीं इसमें। अब बस इसके ऊपर इसको रखेंगे इस तरह से, और ये रोल जो हमने बनाए हैं ये रोल इन पे ऐसा रखेंगे और इनको 5 मिनट के लिए हम पकने के लिए भाप पे इनको रखेंगे। अब गैस को हाई कर दिया हमने और 5 मिनट हम इनको इसी तरह से रखेंगे और इस पर ढक्कन देंगे। बस फिर 5 मिनट बाद देखते हैं इनको, देखेंगे इनको अभी हम। तो ये देखिए माशाल्लाह ये अच्छे से पक गए हैं। हमने 5-6 मिनट के लिए इनको छोड़े थे तो ये पक गए हैं। अभी यहाँ पे हम गैस के फ्लेम बंद कर देंगे, इसकी स्टीम हो चुकी है और इसको 5 मिनट के लिए हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, ये देखिए अच्छे से निकल भी गए ऑयल लगाने से, ये इस तरह से बने। तो अभी इसकी हम कटिंग करते हैं, तो इनको रखते हैं साइड। ये देखिए बस अब इनकी कटिंग करेंगे हम, पीसेस बना लेंगे। ये देखिए बस इस तरह से इनकी कटिंग करके पीसेस बना लेंगे। थोड़ा मोटा रख रहे हैं हम, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए पूरा पीस हमारा रेडी है। बस अभी इसकी फ्राई करने की तैयारी करते हैं। गर्म हो चुका है, बस ये इसमें डालेंगे भजिए को। इसको हम पलटी करते हैं, देखिए माशाल्लाह वाह 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 क्या कलर है देखिए। बस इसी तरह से हमें चाहिए। देखिए दोनों तरफ से हमारी भजिया सिके गई है, अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो इसको अभी हम निकालेंगे। बस इसी तरह से सारों को निकालेंगे और बाकी का जो है उसको भी फ्राई करके कर लेंगे। तो ये देखिए सारे पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं और बहुत अच्छे क्रिस्पी से बने हुए हैं। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए, ये बारिश में सीज़न है इसकी। तो ये अरवी के पत्ते के पकोड़े तैयार हैं, तो अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ये तिल रखेंगे। देखिए कितने अच्छे मज़े के बने। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी रहेगी तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।